नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में सियासी गर्माहट के बारे में। जो स्थितियां हैं प्रदेश में, उसमें कुछ रिश्ते बनते दिख रहे हैं, कुछ रिश्ते जो है वो बिगड़ते दिख रहे हैं। हम बनते बिगड़ते रिश्तों को बीच में जानेंगे कि क्या कुछ रहा इन दोनों की स्थितियों को लेकर। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात कर लें, आज के अगर हम पूरे सुबह की अभी तक के अगर हम घटनाक्रम को देखें, तो उसमें बहुत बड़ा भूचाल आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जदयू की तरफ से भी अभी एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री आवास में जो है जदयू की बैठक शुरू हो गई है। वहीं आरजेडी को लेकर जो है राबड़ी आवास में आरजेडी और कांग्रेस और वाम दलों के बीच में जो है बैठक की शुरुआत हो गई है राबड़ी आवास में। वहीं हम की तरफ से भी आज जो है बैठक की बात कही गई है। तीन ऐसे ये राजनीतिक पार्टियां हैं जिसको लेकर खूब घटनाक्रम को लेकर पिछले दो दिनों से खूब बहस चलता रहा। लेकिन इन सब के बीच में एक और राजनीतिक पार्टी है जो कि एनडीए के कोर घटक के रूप में जानी जाती है, और वो है बीजेपी। बीजेपी की भी तरफ से भी आज जो है बैठक की शुरुआत कर दी गई है। उसमें जो है कई स्तर के दिल्ली से लेकर बिहार तक भी बैठक हुई। एक तरह से कह लें कि यहाँ पे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है उन तारकिशोर प्रसाद, उनके आवास पे जो है स्वास्थ्य मंत्री के साथ कांग्रेस के बड़े नेता जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी नाम आ रहा है, इन सब के साथ जो है बैठक हुई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी फोन पर बात हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक तरह से कह लें कि कांग्रेस में भी बैठक, कांग्रेस ने पहले ही कह दिया कि अगर गैर बीजेपी की सरकार अगर बनती है प्रदेश में, यानी कि बिहार में गैर बीजेपी की सरकार बनती है, तो उसमें जो है बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है। तो एक स्थितियां कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दी। दूसरी स्थिति जो है वो आरजेडी और जदयू के बीच में बनती दिख रही है। उसके बाद हम की क्या इच्छा होगी, अगर नया गठबंधन बनता है प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे क्या होगा, इन सब का अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन तीनों राजनीतिक पार्टियों के अंदर से जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सभी नेताओं को जो है साफ तौर पर हिदायत दी गई है, आप अपना मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। इसके पीछे कई कारण है कि अंदर पार्टी के अंदर, यानी कि बंद कमरे में जिन जिन चीजों पे डिबेट होना है, जिन जिन चीजों पे बात होगी, उसका जो है कोई भी लीकेज होल जो है निकलकर बाहर नहीं आए, कोई भी बात जो है वो बाहर निकलकर ना आए। तो एक तरह से कह लें कि अगर हम पिछले 24 घंटे की ही बात कर ले, तो उसमें जितने तरह के बयान राजनीतिक पार्टियों की तरफ से निकल कर आए हैं, खास करके अगर हम जदयू के सांसद और विधायकों के बयान को देखेंगे, तो उसमें किसी में भी क्लियरिटी साफ आपको दिखाई नहीं देगा। कोई सांसद कुछ कह रहा है, कोई सांसद कुछ कह रहा है, किसी के एक सुर में एक बयान नहीं है कि हमको बुलाया गया है जातीय जनगणना को लेकर, हमको बुलाया गया है आरसीपी सिंह प्रकरण को लेकर, हमको बुलाया, हम जो आए हैं वो अपने किसी निजी काम से आए हैं। तो इस तरह के कई अलग अलग कंट्रेडिक्शन है हर किसी के बयान में। तो ऐसे में यह स्पष्ट है कि पार्टी ने साफ तौर पे यह हिदायत दे रखी है कि आपको जो मुंह खोलना है उसमें जो है नपी तुली आवाज जो है आपको मुंह से बाहर आए, ताकि मीडिया में कोई र्यूमर जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन मीडिया में जो र्यूमर है उसमें यह साफ है कि बीजेपी से जदयू अलग होगी और महागठबंधन के साथ सरकार बनाने की स्थिति में बनती दिख रही है। इस पूरे फ्रेम में जितने चेहरे हैं वो आज बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और अहम रोल किरदार निभाने वाले हैं। ये जो अमित शाह का चेहरा आप देख रहे हैं, ये पिछले दो दिनों से बिहार की पॉलिटिक्स पर एक्टिव हैं और लगातार इनकी बात जो है बिहार के नेताओं के साथ हो रही है, और लगातार जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है किसी तरीके से जदयू के साथ जो है हमारा संबंध है वो एक बार फिर से बचता रहे, ताकि हम आगे भी बिहार की सियासत में सक्रिय रह सके। लेकिन ये पूरा मामला है आज क्यों जो है नीतीश कुमार जो है इनसे अलग होने की स्थिति में है, क्यों उनको लग रहा है कि अब जो है हमें बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में अभी जानेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम इन सब सारी चीजों के बारे में समझेंगे। अब जो है सीधा अगर हम जदयू का अगर हम कांग्रेस के साथ संबंध को देखें, तो इसमें कई स्थितियां हैं। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया कि अगर जदयू चाहती है कि गैर बीजेपी की सरकार में वो शामिल हो, तो हम जो है उसके साथ हैं। तो इसके कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार एक्टिव होना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में उनको पहले ही प्रोजेक्ट किया जा चुका है। जदयू ने उन्हें पहले ही कहा है कि प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, इनमें उस तरह की क्षमता है कि वो केंद्र की सियासत में एक्टिव हो सकते हैं, केंद्र में दो बार मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के साथ भी इनकी फोन पे बातचीत हुई है, लेकिन इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आया है। तो केंद्र अगर कांग्रेस और जदयू के बीच के संबंधों को देखें, तो इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र को लेकर जो है दोनों के बीच में सहमति बन सकती है। कांग्रेस ने अभी खुलेआम तौर पर कह दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिना शर्त जो है कांग्रेस उसमें समर्थन देने को तैयार है। अब हम बात कर लेते हैं जीतन मांझी की पार्टी के बारे में। जीतन मांझी की पार्टी जो है उसमें उसकी अगर हम स्थिति को देखें, 2020 के विधानसभा चुनाव
हिसाब से को अगर हम देखें तो उसमें जो है इनके पास जो विधायक हैं वो जो है जदयू के समर्थित विधायक है। तो ऐसे में जदयू का एक बड़ा टुकड़ा कह लें, अगर एक बड़ा हिस्सा अगर हम कह लें तो वो इनकी पार्टी में आज इन्वॉल्व है। तो ऐसे में जीताराम मांझी जिस तरह से वीआईपी के पास जितने विधायक थे वो बीजेपी के समर्थित विधायक थे, आज स्थिति यह है कि वीआईपी के पास एक भी विधायक नहीं है, जो भी है वो सब बीजेपी के पास चले गए हैं। तो आज अगर जीताराम मांझी की भी बैठक चल रही है या फिर हम कहें कुछ देर के बाद इनकी बैठक शुरू होगी, तो उसमें भी इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा कि इनके पास जो विधायक है वो भी जो है जदयू के रहमो करम पे है। तो ऐसे में आगे की किस तरह की पॉलिटिक्स करना है वो भी उनको जो है समझना होगा। ऐसे में एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका हर समय नीतीश कुमार के साथ रहा है, जिसमें वो लगातार ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री है, और लगातार जो नीतीश कुमार के समर्थन में ही इनके बयान जो है निकल कर सामने आए हैं। अब जो बिहार की पूरी गुणा गणित है वो इन दोनों नेताओं के बीच में बनती बिगड़ती दिख रही है। अब क्या होना है, तेजस्वी यादव के पास क्या है पूरा मामला, मुख्यमंत्री चाहते हैं या फिर डिप्टी सीएम से ही ये खुश हो जाएंगे, ये आज की बैठक के बाद ये तय होगा। क्योंकि अब ये सरकार जो है आगे के 2.5 साल के लिए और चलनी है, तो ऐसे में ये देखना है कि नीतीश कुमार की क्या मंशा है, उसके बाद तेजस्वी यादव की क्या मंशा है। बैठक के बाद जो है ये दोनों बातें क्लियर हो जाएगी कि क्या कुछ करना है। लेकिन जदयू के नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि उनको किसी तरह के बोलने की बात नहीं कही गई। लेकिन राजद की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें ये बात स्पष्ट होता दिख रहा है कि हम तैयार हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन जदयू को जो है सबसे पहले पहल करनी होगी, इनको पहले बीजेपी को बाहर करना होगा सरकार से। इससे पहले भी नीतीश कुमार जो है इस तरह की स्थितियों से गुजर चुके हैं, इस तरह के काम जो है उन्होंने किया है, कैसे सत्ता बदल कर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आना है, नीतीश कुमार इसके बहुत ही पुराने और माहिर खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में इस बार फिर से जो स्थितियाँ बनती दिख रही उसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से बिहार की सियासत में जो है एक्टिव हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। जब कोरोना का दौर था, एक तरह से कह लें कि अभी जब कोरोना में जब संक्रमित थे सीएम नीतीश कुमार, करीब 8 दिन तक ये जो है कोरोना पॉजिटिव रहे, और उस दौरान उन्होंने ना तो किसी बैठक में शामिल हुए और ना ही किसी मंत्रियों से इनकी जो है बात हुई। उस समय जो है बीजेपी के का जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में चल रही थी, उसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की उनसे मुलाकात नहीं हुई। और इस तरह के कई ऐसे मसले हैं जिसपे कि बीजेपी और जदयू की दूरियाँ जो है साफ तौर पर दिखती रही। आज के ही अगर हम घटनाक्रम की बात कर लें तो ये एक बड़ा जो है तस्वीर सामने आया, जिसमें कि उपेंद्र कुशवाहा का एक तरह से कह लें कि फेसबुक पोस्ट है इसमें, मगर एक तरह से कह लें कि एक बड़ा संकेत देने की कोशिश जो है वो की गई है। कहा गया कि आज जो है अगस्त क्रांति दिवस है, और सच में अगस्त क्रांति दिवस है, और उसमें एक नई शुरुआत की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि आइए हम एक नई शुरुआत करें। ये जो नई शुरुआत की बात कही गई है इसी को लेकर जो है सबसे ज्यादा संशय की स्थिति जो है आज उत्पन्न होती दिख रही है उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद से। लगातार ये कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है भले ही अगस्त क्रांति को लेकर हो, लेकिन अब वर्तमान की जो स्थितियां हैं, जो जिस तरह से उनके बयान सामने आ रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि आइए एक नई शुरुआत करते हैं, वो सब कुछ जो है बिहार के नए बनते बिगड़ते परिदृश्य को लेकर देखा जा रहा है। इस पूरे अगर हम घटनाक्रम को देखें तो इसमें आज जो है एक तरह से कह लें कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में इतनी दूरियां क्यों होती जा रही है, उसके पीछे जो है एक दो मसला जो है वो निकल कर सामने आया है। उसमें पहले में जो है कहा जा रहा है कि 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस दौरान जो है चिराग पासवान जो है वो एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने आए थे और जदयू को जो है बड़ा डैमेज फॉल किया था यहाँ पे। और दूसरा जो नाम सामने आया है वो है आरसीपी सिंह का, और आरसीपी सिंह को लेकर हम कहते हैं ना, जब हम प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को जब हम पढ़ रहे थे उस समय जब 10वीं क्लास में थे तो बताया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के जो है एक तत्कालीन कारण क्या थे, एक पौराणिक कारण क्या थे, पुराने क्या मामले रहे। तो जो तत्कालीन कारण बताया गया था उसमें कहा गया था कि वर्सायी की संधि जो है उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। अभी की अगर हम बात कर लें तो इसमें आरसीपी सिंह प्रकरण जो है वो सिर्फ सामने आया और पूरा जो मसला है वो खुलना शुरू हुआ 2020 के विधानसभा चुनाव से, जिसमें कि चिराग पासवान को बीजेपी ने आगे किया और नीतीश कुमार की पार्टी को जो है बड़ा डैमेज फॉल हुआ। और नीतीश कुमार की पार्टी ने अपनी जब समीक्षात्मक बैठक की तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे 75 ऐसे सीटें थी जहां पे हम सीधे तौर पे जीत सकते थे और 25 पे तो ऐसी
ऐसी स्थिति थी कि जहां एकदम नेक टू नेक कांटे की टक्कर रही है और उसमें पार्टी को जो है बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में कह लें कि बीजेपी की जो मंशा है वो जदयू लंबे समय से भागती रही 2020 के विधानसभा के चुनाव से ही, और अब जो स्थितियां हैं आरसीपी सिंह प्रकरण को लेकर, भले ही आज जो है कई नेता और मंत्री जो बैठकों को जिक्र किया जा रहा है उसमें ये कह रहे हैं कि हम आरसीपी सिंह प्रकरण को लेकर आज बैठक में शामिल हुए, लेकिन आरसीपी सिंह ने तो पहले ही पार्टी से नाता तोड़ लिया। अब जो है उनके पास दो ऑप्शन है, दोनों का जिक्र उन्होंने किया, एक तो अपनी पार्टी बनाएंगे, दूसरा बीजेपी के साथ जाएंगे। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को अलग करके शिवसेना का तोड़ा गया और उसके बाद जो है वहाँ पे बीजेपी अलायंस में आई, सरकार में आई, उसी तरह की स्थिति जो है ये कहा जा रहा है, राजनीतिक जो पंडित हैं बिहार के वो कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह को तोड़कर उसके कुछ विधायकों को लाकर जो है बीजेपी चाहती थी कि हम जो है एक बार फिर से सत्ता में आ जाए। नीतीश कुमार को यहाँ भी डैमेज करने की बात कही गई। इन सब के अलावा एक और बयान जो है वो ये कहता है कि आज जितनी भी बैठकें हो रही है उसका जो है मूड वही जाता है, वो है बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सारी जो है पार्टियां खत्म हो जाएगी और एकमात्र जो होगा वो होगा बीजेपी। यानी कि बिहार में अगर बीजेपी सत्ता में है तो उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी जदयू की है, कहीं ना कहीं हिस्सेदारी जो है वो हम की है। तो इन सब के अलावा आप बिहार की सत्ता में कैसे शासन कर सकते हैं? और उसके बाद जो बयान सामने आया कि कहते हैं कि बिना बीजेपी के, बीजेपी जो चाहती है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं चाहे वो आरजेडी हो, ये जदयू हो, हम हो या फिर वीआईपी हो, इन क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है, बिहार हो या फिर कह लें कि हम झारखंड हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, इन सब की राजनीतिक पार्टियों का दबदबा रहा है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी का दबदबा है, उड़ीसा में देख लें तो बीजू पटनायक की पार्टी कैसे काम कर रही है। तो बिना क्षेत्रीय पार्टियों को ही बीजेपी चाह रही है कि हम इनको खत्म कर दें और एकमात्र जो है बीजेपी रहे। ऐसे में बिहार में जदयू के साथ हम के साथ बीजेपी का अलायंस है और इस तरह का बयान आना यह साफ दर्शाता है कि बीजेपी की क्या मंशा रही है। भले ही अभी चुनाव के 2.5 साल बाकी हों लेकिन 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जो है बीजेपी ने अभी से जाहिर कर दी है। यह सब जो बयान है, आज की जो परिस्थितियां बनती है इन सब को बनाने में, ऐसे में जदयू ये चाह रही है कि हम बीजेपी से किसी भी मसले पे कम ना हो, किसी भी स्थिति में जो है हम कम ना हो। और उसके बाद जो है आज का जो घटनाक्रम है उसमें आरजेडी अपनी अलग बैठक कर रही है जिसमें कि महागठबंधन के सारे पार्टी के विधायक जो है वो शामिल हुए। जदयू अपनी अलग बैठक कर रही है जिसमें उसके एमपी और एमएलए एमएलसी ये तीनों को बुलाया गया है और बंद कमरे में बिना फोन के जो है इनकी बैठक होगी, उसके बाद हम का भी बैठक होना है। तो एक तरह से कह लें कि बीजेपी की अलग बैठक चल रही है। तो ये तमाम बैठकों का दौर जो है दिन भर चलेगा और उसके बाद एक आखिरी निष्कर्ष पे स्थिति बनेगी कि इन दोनों सब कुछ जो है इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है अब कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा। जब ये सब फैसला होगा तब आखिरी स्थिति आएगी कि अब जो है बिहार की सत्ता पर एक बार फिर से अगले 2.5 साल के लिए कौन काबिज होगा। बिहार और बिहार के राजनीति से जुड़े हुए और भी ऐसे घटनाक्रम के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।